Hey guys, welcome back to my channel. बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके फेवरेट रव के चैनल पे. एंड थैंक यू सो मच, आप हर वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो. हमारे सब्सक्राइबर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं. हम बहुत करीब हैं 300 के सब्सक्राइबर्स के लिए. सो फटाफट 300 के कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे आज के मुद्दे पे. अब बात करते हैं हमारे आज के स्पेशल वीडियो की, जो कि होने वाला है, मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं इस वीडियो को क्या नाम दूं, क्योंकि इसमें स्टोरी है भी और नहीं भी, और अगर स्टोरी है तो दो दो स्टोरीज हैं. क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ अपनी एक ऐसी शॉर्ट फिल्म के बारे में जो मैंने 2013 में शूट की थी, जब मैं जयपुर में था, जब मुझे नया नया एक्टिंग के कीड़े ने काटा था. इसमें हर्षित था, इसमें कपिल था, इसमें मेरा एक और बेस्ट फ्रेंड रिक्की था, एंड इसमें मेरे मैथ्स के टीचर थे, इसमें मेरे एक भैया थे, और तो और इसमें निर्भय भी था. तो वो भी आपको पता चलेगा इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे, और किसका क्या क्या कैरेक्टर था सब पता चलेगा. एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं छोटे छोटे क्लिप्स लगाता चलूँ साथ साथ, जिससे आप इस वीडियो को देख पाएं, उस वीडियो को भी देख पाएं. और मैं आपको बताने वाला हूँ इस शॉर्ट फिल्म से जुड़े बहुत सारे किस्सों के बारे में. सो पहले मैं आप लोगों को इस शॉर्ट फिल्म की कहानी समझा देता हूँ. 2013 में मैंने और हर्षित ने मिलकर ये कहानी लिखी थी, और ये बहुत ही फनी कहानी थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इस कहानी को होना था थोड़ा सा हॉरर. हमने सोचा हॉरर पकड़ते हैं, लोग डरेंगे, मजा आएगा, यूट्यूब पे रिलीज करेंगे. तब तो ऑडियंस भी नहीं थी, तो हम खुश हो गए थे कि अगर 100-200 लोग भी देखेंगे तो बहुत मजा आएगा. सो इसकी कहानी ऐसी होती है, हम 5 फ्रेंड्स होते हैं, मैं, हर्षित, रिक्की और कपिल. ये तो 4 ही हुए. हम 4 फ्रेंड्स होते हैं, एंड हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग एक फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, हमें प्रोजेक्ट मिलता है कि आपको किसी भी टॉपिक पे लेके एक शॉर्ट फिल्म बनानी है. सो मैं इन लोगों को एडवाइस देता हूँ कि क्यों ना हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे फिल्म बनाएं. सो ये आप देख सकते हैं किस्सा कब से जुड़ा है. सो मैंने सोचा इस पे बनाते हैं, हमारे टीचर बहुत खुश होंगे, मजा आएगा, हम प्रोजेक्ट में पास हो जाएंगे. और वो 2-3 लोग जो होते हैं वो काफी डर रहे होते हैं, हर्षित भी होता है, रिक्की भी होता है, कपिल भी होता है, वो लोग मना करते हैं, लेकिन फाइनली मैं उनको कन्विंस कर लेता हूँ. सो आप जाइए और पहले ये सीन देखिए. मैं एक ऐसी जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ पे काफी सारी नेगेटिव एनर्जीज के बारे में सुना गया है. भाई तू भूत के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा ना? अरे उसे बोलने दो यार. डूंगरगढ़ के जंगलों में 60 किलोमीटर अंदर जाकर एक शमशान आता है, और उसी शमशान के पास एक मंदिर है, और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ जो भी आज तक गया वो या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा या फिर कभी लौट कर नहीं आया. कोई मजाक नहीं करेगा, पैक योर बैग्स और चलो. सो इस सीन के अंदर 2-2 गलतियां. पहली गलती कि मैंने जो सैंडो पहनी है वो उल्टी है, आप ध्यान से देख सकते हैं. इतनी एक्साइटमेंट में मैं बोला अरे वाह यार मूवी बना रहे हैं, मैंने उल्टी सैंडो पहन ली. दूसरी गलती, रिक्की ने जो न्यूज़पेपर पकड़ा है वो पहले तो ठीक पकड़ा है, लेकिन एक सीन में आप देखेंगे कि उसने उल्टा पकड़ा है, वो उल्टा पढ़ रहा है. उल्टा न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है भाई? ये हमारे रिक्की भाई ही पढ़ सकते. तो मैं इन लोगों को कन्विंस कर लेता हूँ. तब हम जाते हैं हमारे एक टीचर के पास जो एक मंदिर में गए थे, जिस प्रोजेक्ट पे हम फिल्म बना रहे हैं. हमें पता चलता है कि एक मंदिर है, वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वहाँ पे पूजा होती है और ये सब होता है. सो हम सर से पूछने जाते हैं, सर भी यही काम करते हैं. तो हमने पूछा कि सर आप वहाँ पे गए थे, आपको कैसा फील हुआ? तो एक्चुअल में जो अब आप सीन देखने वाले हैं वो मेरे रियल मैथ्स टीचर हैं. स्कूल में मैंने उनसे मैथ्स पढ़ी, मैंने ट्यूशन पढ़ी है उनसे. सो मैंने सर को बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर मैं चाहता हूँ कि आप एक्टिंग करें, क्योंकि सर ना एक्टिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे. कोई भी नई फिल्म होती थी तो बोलते थे अरे गौरव यार नई फिल्म रिलीज हुई है. तो मुझे हमेशा से ही वो कनेक्शन था. प्रवीण सर उनका नाम है, जयपुर में उनका इंस्टीट्यूट आज भी है. सर ने बहुत कमाल की एक्टिंग करी, आप ये सीन देख ही रहे होंगे. पहले जाइए सीन देखिए. आज से 2 साल पहले मेरा काम देखकर एक फॉरेन मीडिया ग्रुप ने मुझे एक डॉक्यूमेंट्री के लिए अप्रोच किया, और मैं मान गया. फिर हम लोग भी निकल पड़े तुम लोगों की तरह एक यूनिक और ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए. लेकिन जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंचते रहे, रास्ते में हम लोगों के सपने और मेम्बर्स कम होते रहे. रास्ते में हमें बहुत कुछ अजीब लगा, जैसे जंगल के लोग इतनी गर्मी के बावजूद भी शॉल रखते थे. फीवर भी तो हो सकता है सर. फीवर एक को हो सकता है बेटा, सबको नहीं. सो आपने जो ये सीन देखा ये बहुत ही अच्छा सीन था. एंड इनफैक्ट जो आप पीछे एक लड़का देख रहे होंगे जो लैपटॉप पे काम कर रहा है, उसका नाम है कनिक गुलाटी, एंड वो ही ये सारी शूट करता था. उसी का कैमरा होता था, उसी के सारे जुगाड़ होते थे. सो हमने बोला कि यार कनिक तू भी एक सीन में बैठ, वो भी बैठ गया. इसके बाद में हमारी जर्नी शुरू होती है. अब हम लोगों ने बहुत एक्साइटमेंट में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी जो शायद होनी नहीं चाहिए थी, बट फिर भी मज़ा लाने के लिए, डर लाने के लिए हमने लिख दिया. तो हम उस मंदिर की ओर बढ़ने लगते हैं, जाने लगते हैं, एंड रास्ते में हमें एक इंसान मिलता है, एक अजीब से आदमी मिलते हैं. एक्चुअली ये जो इंसान मिलते हैं इनका नाम है कमल भैया.
ये मेरे भैया है, मेरे घर के पास ही रहते थे, मैं इनको हमेशा से भैया बोलता हूँ। एंड इनमें भी सेम चीज, एक्टिंग का कीड़ा कूट कूट के भरा था। अब बात आती है इनके कॉस्ट्यूम को लेकर, क्योंकि हमें चाहिए था एक थोड़ा ऐसा आदमी लगे कि लोग सोचें यार ये कैसी ड्रेस है, ये कैसा आदमी, कुछ अलग करना था। अब हमारे पास पैसे वैसे तो इतने होते नहीं थे उस वक्त, इतना कोई मैं कमाता भी ज्यादा नहीं था। सो हमने जुगाड़ किया है, हमने हर्षित एक्चुअली तब डांस के शोज कराया करता था, तो हर्षित ने रिसेंटली कहीं पे गरबा परफॉर्मेंस किया था, मतलब या किया था या करवाया था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। तो उसके पास एक ड्रेस पड़ी थी। सो गाइस, कमल भैया को हमने वो गरबे वाली ड्रेस दे दी, एंड जब हमने उनको देखा वो इतने फनी लग रहे थे ना, आप लोग भी जाइए देख के आइए। पहले कहाँ जा रहे हो भैया? ऑस्ट्रेलिया। डूंगरगढ़ के जंगल तक। आधे रास्ते तक हमें भी छोड़ देते तो आपका भला होता। क्यों, नहीं छोड़ेंगे तो भला नहीं होगा? ऐसा कब कहा मैंने आपको? बैठिए उधर भैया, यूं ले लो। यार भैया, कड़ा तो तगड़ा है यार आपका। तो जब हम जाते हैं तो हर्षित को बहुत डर लगता है। हर्षित बोलता है यार रोक, मुझे टॉयलेट जाना है। तो जब वो टॉयलेट कर रहे होते हैं, हम लोग एक्चुअली, मुझे और हर्षित को सच में टॉयलेट आया था, हम लोग सच में कर रहे थे। एंड हम लोग इतना, हमें बुद्धि नहीं थी उस समय कि भाई बाइक चला रहे हैं तो हमें हेलमेट भी पहनने चाहिए थे। तो बहुत सारी गलतियां की हमने इस शॉर्ट फिल्म में। सो इस बीच एक सीन होता है, हमने कमल भैया को बोला कमल भैया दो नींबू घर से साथ में लाना, तो वो दो नींबू लेके आते हैं। और वहां पे हमें रस्ते में ना कुछ पिंस का पैकेट मिल जाता है, पिंस नहीं फेंक देते लोग, ऑल पिंस टाइप। तो हमने वो ऑल पिंस ली, नींबू में डाली। अब हमें इसके साथ और कुछ डरावना कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था यार और डरावना कैसे कर सकते हैं। तो हमने नींबू को रखा, हमने कमल भैया को बोला ये आपने ऑल पिंस डाल दिए, अब इसके ऊपर ये जो ये कचरा वचरा मिट्टी विट्टी पड़ी है ना, ये फेंकते जाओ, ऐसे क्या पता लोग इसको देख के डर जाए। और बाय द वे, इस मूवी में मेरा वेट 75 kgs था, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं मेरी डबल चिन निकल रही है, मेरा फेस इतना बड़ा है। नो डाउट मेरे आर्म्स वार्म्स साइज वाइज बहुत अच्छा था, मैं एकदम ऐसा था, लेकिन मेरा फेस बहुत बड़ा था, जिसके कारण मुझे मुंबई आके बहुत प्रॉब्लम हुई थी। सो वो मैंने चेंज कर लिया था, टच वुड, अब बढ़िया है। सो वहां से हम लोगों ने ये सीन शूट किया। उसके आगे हमारी जर्नी आगे बढ़ती चलती है, हम जंगल में पहुंचते हैं। हम जंगल में जब आ जाते हैं तो वहां पे एक और बड़े एक्टर से हमारा मुलाकात होती है, यानी कि निर्भय वाधवा भी उस फिल्म में थे। एंड उस वक्त वो लकीली जयपुर आया हुआ था, उसकी कुछ दिन की छुट्टियां थी, एंड शो चल रहा था, आई डोंट नो कौन सा शो चल रहा था, वो कोई ना कोई शो कर रहा था या शायद महाभारत की तैयारी कर रहा था, क्योंकि महाभारत स्टार्ट होने से पहले एक डेढ़ साल इनको ट्रेनिंग दी गई थी, तो उसके बाल बाल काफ़ी लंबे थे। तो मैंने बोला ये बहुत अच्छा मौका है यार, इसको पकड़ लेते हैं, आगे चल के तो स्टार बन ही जाएगा, तो अभी इसको यूज़ कर लेते हैं। सो हम लोगों ने निर्भय को लिया है, निर्भय की एंट्री बहुत अच्छी शूट की हम लोगों ने, प्रॉपर टिल्ट अप दे के सब कुछ अच्छे से एंट्री शूट की। एंड एक सीन था कि निर्भय की गाड़ी में बैठते हैं, वो बोलता है चलो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो हम जब उसकी गाड़ी में आगे चल रहे होते हैं, तो एक सीन था कि गाड़ी ख़राब हो जाती है और हम बाहर आके बोनट खोल के चेक करते हैं कि ये हुआ क्या है। सो गाड़ी बंद करने तक का तो हमें पता था कि ठीक है गाड़ी खराब, ये दिखाना है कि गाड़ी खराब हो गई है तो हम गाड़ी रोक देंगे झटके से, गाड़ी खराब हो गई है। लेकिन बाहर आके जब बोनट खोलना है तो उसके लिए पहले से अंदर से खोलना पड़ेगा, है ना, तो वो हम नहीं कर पाए सही से। हमने गाड़ी रोक दी, यानी कि निर्भय ड्राइव कर रहा था, निर्भय ने गाड़ी रोक दी, एंड उसने जब वो बोनट खोलने के लिए वो पुल किया तो वो पहले से ही दिख गया कि भाई इन्होंने अंदर से बोनट खोला है। देन वो बाहर आया, बाहर आके उसने बोनट खोला, एंड वहां पे हमने वही नींबू छुपाया था जिसके साथ कमल भैया अपना गेम खेल रहे थे, उसी नींबू को हमने वहां चुपचाप से जाके रख दिया। ये सब मैं बिहाइंड द सीन्स बता रहा हूँ, मूवी में ऐसा हम छुपाते हुए नहीं दिखेंगे। मूवी में तो हमें डर लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हमने ऐसा जुगाड़ लगाया कि इससे और इंटरेस्टिंग स्टोरी बनेगी। वो नींबू ले जाके हमने बोनट के पास में रख दिया कि अरे यार ये नींबू तो हमने वहां देखा था, ये यहाँ क्या कर रहा है। तो वो सीन हमें लगा कि हम इससे और स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना देंगे, वो हमने बना दिया। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ रहे थे तो काफी रात हो गई थी, बहुत रात हो चुकी थी, एंड जंगल था, तो निर्भय बोलता हमें यहीं रुक जाना चाहिए। तो हम सबको काफी डर लग रहा था, निर्भय को डर नहीं लग रहा था। अब ये भी एक बहुत फनी सीन है, हम जब उन जंगलों में शूट करने पहुंचे रात के समय, तो एक तो हमें सच में डर लग रहा था कि यार कोई जानवर ना आ जाए, प्लस हमारे पास लाइट्स नहीं थी। आज तो सारे इक्विपमेंट्स हैं, अच्छी लाइट्स वाइट्स हैं, हम लोग शूट कर लेते हैं। सो हमने दिमाग लगाया, जिस कार में हम लोग जा रहे थे, यानी कि जो कार आप मूवी में भी देखेंगे, उसी कार को हमने सामने खड़ा कर दिया एंड उसकी लाइट ऑन कर दी। कार को ऑन किया और उसकी लाइट्स ऑन कर दी, एंड उसके सामने आके जमीन पे बैठ के हम लोगों ने शूट किया और कैमरा लगा दिया। कैमरा था हमारे पास अच्छा, लेकिन हमारे पास लाइट्स वाइट्स नहीं थी। सो वो जो अब आप सीन देखने वाले हैं, ये वो सीन है जब लाइट्स ऑन है, लेकिन वो कार की लाइट्स हैं जिसमें बैठ के हम लोगों ने सीन शूट किया। एंड वो काफी डरावना सीन था, क्योंकि उसमें निर्भय पूरी स्टोरी बताता है कि वो हमें इस रास्ते में कैसे मिला, वो वहाँ क्यों जा रहा था, हम तो चलो अपनी फिल्म बनाने जा रहे थे, प्रोजेक्ट बनाने जा रहे थे उस मंदिर में, लेकिन वो क्यों जा रहा था। तो बहुत लंबा चौड़ा डायलॉग वो बोलता है, हमें अच्छा लगता है क्योंकि उसने बहुत अच्छा बोला था। मेरे लिए बहुत, मतलब ऐसा वाला मोमेंट था, वाह यार इतनी आसानी से
इतना बढ़िया डायलॉग बोल के चला गया क्योंकि वो प्रोफेशनल एक्टर तब बन चुका था। एंड मैंने मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा, लेकिन ऐसा था कि यार करना है, कुछ करना है, कीड़ा था एक्टिंग का। सो ये वो मूवी थी एंड हमने इसका नाम रखा था फर्स्ट और फाइनल हमने इसका नाम रखा था। इनफैक्ट काफ़ी सारी डबिंग भी हो गई थी, लेकिन कुछ बीच में एडिटिंग के चक्कर में मूवी रुक गई थी एंड वो कभी रिलीज़ ही नहीं हो पाई, ना ही बैकग्राउंड स्कोर लग पाया। लेकिन ये मूवी मेरे दिल के बहुत करीब है। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ये वीडियो देखें तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप ये फिल्म देखना चाहते हैं या नहीं। और हाँ, पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि मेरा बर्थ टाइम क्या था, तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया 19 दिसंबर 1993। और मेरे पैदा जब मैं हुआ था तो वो टाइम था 6:20, क्योंकि मैं नॉर्मली अपने वीडियोस पोस्ट करता हूँ 6:30 PM पे। एंड उस दिन भी मैंने पोस्ट डाल दिया था मॉर्निंग में ही कि 6:30 को मेरा नया वीडियो आ रहा है, एंड उस दिन वो वीडियो मैंने पोस्ट किया था 6:20 PM पे। सो वो जो सारे दिमाग वाले लोग थे, सबको मेरी तरफ से एक बहुत ही बढ़िया सैल्यूट। आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो, छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गए हो छोटू। सो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इतने सारे सही आंसर्स दिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम, जितने भी आप लोग हो, ज्यादातर लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। सो बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर। लेकिन मैं शाउट आउट देना स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक शर्त थी कि 30K लाइक्स कंप्लीट होने चाहिए। 30K होते ही मैं शाउट आउट स्टार्ट कर दूंगा। सो आज से जो भी मैं वीडियो डालूंगा, जिस भी वीडियो पे 30K लाइक्स आएंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो से शाउट आउट स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी शाउट आउट लेना स्टार्ट करना चाहते हैं। सो जाइए लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, अनलाइक भी कर सकते हो। लेकिन अगर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम 300K सब्सक्राइबर्स की फैमिली यानी कि वेमिली होने वाली है। उसके लिए थैंक यू सो मच। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कर देना कि आपको वो शॉर्ट फिल्म देखनी है या नहीं। और मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी थी मेरी लाइफ की, जहाँ से मैंने एक्टिंग की थोड़ी सी शुरुआत की थी एंड मैंने बहुत कुछ सीखा इस फिल्म से, क्योंकि मैंने बहुत कुछ गलत किया इस फिल्म में। सो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार दिखाना। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। एक नंबर मजा आ गया।